बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं इस वक्त हूँ लंदन की बेकर स्ट्रीट के ऊपर इस वक्त, और ये देखें जी, ये लंदन की टूरिस्ट बस जा रही है। ये देखें जी मेरी लेफ़्ट साइड पे, ये सामने, अब ये जी लंदन की बहुत मशहूर जगह है जिसका नाम है मैडम तुसुड लंदन। अब इसके हम अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर बहुत कुछ अमेजिंग है जो कि आप लोगों भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये लें जी, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूं, फिर हम अंदर चलते हैं जी। ये बेकर स्ट्रीट है लंदन की। चलें जी, ये देखें हम आ गए हैं यहाँ पे। ओवरऑल तो क्यू काफ़ी लंबी क्यू होती है, लेकिन आज क्यू नहीं है। एनीवे जी, इन ये लेडीज़ कह रही हैं कि आप अपनी बग्गी जो है, जिसको पुशचेयर भी कहते हैं, आप यहाँ, ये रूम है, आप इसके अंदर इसको छोड़ के जाएंगे और अपनी टिकट जो आपने ऑनलाइन बुक की हुई है हमें चेक करा दें। ये मेरे हस्बैंड टिकट चेक करा रहे हैं। एनीवे, ये देखें आप। चलें जी, इसके बाद हम यहाँ पे अपनी बग्गी छोड़ेंगे और इसके बाद आप अंदर जाएंगे। चलें जी। ये ले जी, ये मैंने आपको एंट्रेंस दिखा दी है। ये देखिए जी भाई, ये नया आपको बड़ी पसंद है, स्पेशल आई है कि मैंने इसके साथ जाके पिक्चर बनाया। ये देखिए जी, ये हम यहाँ से एंटर हुए हैं। चले जी, अब हम ऊपर चलते हैं। वो लोग चले गए, अब मैं भी ऊपर चलती हूँ। ये वो लंदन ब्रिज जा रहा है, वो बसेस जा रही है, मेरा मतलब है उसमें। ये इन्होंने बड़ा मजे का इसका छत बनाया हुआ, लाइटिंग लगी हुई है। चले जी, अब हम आगे चलते हैं। आ जाए जी, आ जाए। ये देखिए, आ जाओ नाया। ये देखें जी, ये देखें जी, ये वैसे वो डमी है, स्टैचू है, ऐसे लग रहा है जैसे रियल है ना। चले, ये देखिए, ये सारे ना स्टैचू होंगे यहाँ पे, लेकिन आपको लग ये रियल है। ये देखिए, ये मेरे मियाँ साहब पूछे थे मुझे, सच में ना ये स्टैचू लगे हैं, लेकिन ये रियल है। हारून, ये जानी पहचानी शक्ल लग रही है, कौन है? हाँ जी, ये देखिए जी, ये ले उधर देखें जी, ये देखें जी, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये देखें, ये रियल नहीं है लेकिन ये स्टैचू है, ये भाई रियल है। अच्छा जी, ये आप देख लें, इधर देख लें, सेंटर वाले रियल है, दोनों साइडों पे जो है ना वो स्टैचू है। चलें जी, इसे भी देख लें आप। कर रहा मैं उधर आंटी के पास जाऊं। चलिए जी हारून, आप उधर जाए जरा, आओ बाबा की और आपकी पिक्चर लूंगी। ये देखिए, हेलो अनाया। ये देखिए, मैं एक दफा आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये रियल नहीं है लेकिन आपको लगेगा ऐसे कि ये रियल। ये देखिए अनाया, चलिए अब मैं आपको जरा इधर भी लेके जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आके बैठे हैं और साथ में पिक्चर बना लेंगे। देखिए, वॉच तक पहनी हुई और ऐसे लग रहा है जैसे रहे हैं। ये देखिए, चलिए
चलें जी, अब मैं आपको लेके जाती हूँ केट और प्रिंस हैरी के पास। तो यहाँ के हैं जी, ये देखिए, तो दोनों मियाँ भी खड़े हुए हैं। और मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, और ये मैं आपको पहले इनसे मिलवा चुकी हूँ। ये प्रियंका है, ये भी कुछ खड़े हैं भाई, पहले मुझे पता कौन है। पहले तो मैं शक में पड़ जाती हूँ, और करके देखती हूँ कि ये वाकई स्टैचू है कि कोई रियल तो नहीं खड़ा हुआ। ये देखिए, ये प्रियंका है, ये इधर नाया जो है ना, वो डर बहुत रही होती है। ये देखें जी, अनाया खड़ी है प्रिंस हैरी और केट के साथ। ये देखें, मैं थक गई हूँ, फिर मैं बैठ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इसका ना ओवरव्यू सारा। अनाया आप भी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वाओ। ये देखिए मेरे मियाँ साहब के काम, उसे खिलाने लगे हैं। ये देखिए, ये प्रियंका के साथ चली गई, वेरी भाई साहब खड़े हैं। ये रियल नहीं है लेकिन लग ऐसे ही रहा है, स्टैचू है, डमी है। ये देखें, चले मैं इन लोगों से मिलवा दूँ जरा, केट और उनके मियाँ साहब जो हैं। ये इधर भी देख लेंगे, कहते हैं इधर भी आए। ये बहुत मज़े की जगह है, मैं तो कहती हूँ यहाँ ज़रूर आए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आके। ये देखें, ये देखें जी, ये बाप बेटी लगे हुए हैं, ये नया लाइन के साथ बनवा रही है अनाया। ये देखें जी, ये देखें, अनाया के काम। ये ले जी, इन सब का मैंने आपको विजिट करा दी है, अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ आगे। ओके जी, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय प्रियंका। ये ले जी, ये सारे खड़े हैं, मैं आप लोगों को एक दफ़ा वैसे भी जाते जाते ओवरव्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके नीचे आप आएँ तो आप लोगों को ऐसे फील हो रहा होगा, म्यूज़िक आ रहा है ना जैसे बारिश हो रही है, तो ये अम्ब्रेला उन्होंने ऊपर इसी वजह से लगाई हुई है जैसे बारिश की साउंड आ रही है। ओके जी शाहरुख खान, बाय बाय। चलें जी, अब हम चलते हैं आगे, ये रास्ता जाता है आगे को। चलें जी, अब हम चलते हैं आगे और मैं आगे दिखाती हूँ आपको जी। वो कह रहे हैं दिस वे, सीधा आए आगे। चलें, ये देखें जी, मैं
आप लोगों को इसका भी बताती हूँ कि ये कौन है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा। अच्छा जी, हम इस साइड पे जाने लगे थे लेकिन ये देखिए जी, उन्होंने लिखा हुआ है जी, वार्निंग है, नॉट रिकमेंडेड फॉर पर्सन अंडर 15 ईयर्स ओल्ड। जिनके छोटी एज है बच्चों की, 15 साल से कम तक के जो लोग हैं वो इधर ना जाए। और हमारे पास तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर ये एलियन का कुछ उन्होंने बनाया हुआ है सारा अंदर सिस्टम ना, तो इस साइड पे तो फिर हम नहीं जा सकते जी। चले जी, अब मैं आप लोगों को लेके आगे चलती हूँ। डिसाइड ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे बाहर रहेंगे क्योंकि वो छोटे हैं दोनों, तो मैं आप लोगों को लेके आगे चलती हूँ। चले जी, अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, बड़ी अजीबो गरीब सी स्मेल ला रही है। ओह माय गॉड, ये तो मैं भी नहीं देख रही, मैं कहाँ आ गई। डर तो वैसे मुझे बहुत लग रहा है। ओए मेरे अल्लाह, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। सच्ची मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे मियाँ सब पीछे रह गए हैं। अब मैंने कहाँ जाने है। ओए ओए, सो स्केरी ब्रिज, रियली इट्स वेरी स्केरी। अब मैंने किधर जाना है मुझे सच्ची में नहीं पता चल रहा। अच्छा, इस साइड पे आप लोग ये सोच समझेंगे कि मैं जान के कर रही हूँ, कसम से मैं जान के नहीं कर रही, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड, मैं अपना शीशे में देख के डर गई हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या है। इतनी बहादुर तो मैं नहीं थी लेकिन वीडियो बनाने के चक्करों में मैं अंदर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो रोने वाली हो गई हूँ। देखें जी, शुक्र है अल्लाह का, स्केरी ब्रिज से मैं बाहर आई हूँ। उफ, मेरा तो मरने वाला हाल हो गया था अंदर। अच्छा जी, ये देखें, ये देखें ओम, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये रियल है। ये देखिए, ये किसी मूवी का कोई सीन, जेम्स बॉन्ड 007, मेरे मियाँ साहब बता रहे हैं जी, ये वो मूवी वाले हैं। ये इधर देखिए, अभी तक ना उस शॉप से बाहर नहीं आ रही जो मेरे साथ अंदर हुआ है, स्केरी ब्रिज। ये देखिए, ये सारे वो हैं स्टैचू हैं, डमी हैं, जो मतलब स्टैचू हैं, फेल नहीं है। चलिए, अभी तक ना हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही, जो मैं वहाँ से वो स्केरी ब्रिज उन्होंने बनाया वो वहाँ से गुजर के इधर आई। चले जी, अब मैं आगे सीख हूँ लेके आप लोगों को। मैं खुद भी पहली दफ़ा आई हूँ, मेरे हस्बैंड कहीं पहले आते रहे हैं, तो वो मुझे कह रहे थे आज मैं तुम लोगों को लेके जाता हूँ, तो इस वजह से ना कुछ चीज़ें मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। ये वो ये शो करा रहे हैं कि शावर ले रहे हैं। चले जी, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए जी, उन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ जैसे यहाँ पे बुक शॉप्स है।
आगे चलते हैं। ये देखिए जी, अब हम इस साइड पे आ गए हैं। यहाँ कोई रेसलिंग वाले खड़े हुए हैं सारे। हाँ ठीक है, देखिए मुझे तो इतना पता नहीं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा। ये इधर देखिए, जानते होंगे कि ये देखिए, इनकी मैं आपको सारी डिटेल दिखाती हूँ जी। ये है मोहम्मद अली है जी, टोटल फाइट्स इन्होंने 61 की है, फीनिक्स में फिर इन्होंने 56 की है। ये उनका जो भी सारी हिस्ट्री है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो सारा इधर है। और जो दूसरे हैं यहाँ पे रेसलिंग का है ना, ये वाला इंडिया, ये देखिए उसमें ये है, उनका नाम जो है ना ये, और ये इसकी टोटल फाइट्स 25 थी, जिसमें से 24 इसने भी की हुई हैं। ये सारी डिटेल है। और इनके इन दोनों का ये रेल यूनिफॉर्म भी जो था उन्होंने रखा हुआ है, यही इसके मोहम्मद अली के। ये देखो, ये सारा इधर दिखा रहे हैं। यहाँ पे दुनिया के जो टॉप के बंदे हैं ना, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उसका हर एक बंदे का यहाँ पे स्टैचू होगा। आगे भी बहुत सारी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो देखिए, वो भी लड़की है, जाहिर है वो रेल में भी है, जिसका उन्होंने स्टैचू रखा हुआ है, उसने भी किया होगा। ये देखें, ये सारे वो वाले हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है। ये भी कोई लड़का होगा, रेल में भी है। ये देखें, वो मैच में देखें, वो हर एक फील्ड से रिलेटेड ना, ये सब के उन सब के ये रेयर स्टैचू उन्होंने रखे हुए। ये भी कोई एक्ट्रेस है, ये देखिए मैं आपको पास से पीछे से दिखाती हूँ। ये उसका रखा हुआ है, और शो ये करा रहे हैं कि जो स्टेज पे खड़ी है, उस साइड पे कैमरे हैं, वो बहुत सारी पिक्चर भी उसकी ले रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही है ना। ये रेसिंग में कोई बेस्ट है, इसको इस तरह का अवार्ड मिला हुआ है। वो देखिए जी, वो जो सामने लड़का खड़ा है, जिसने सर पे हाथ रखे, मेरे हस्बैंड ने तारे के वो मुस्लिम है। ये देखिए, ये जो है इनका भी इधर नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इन सब का लिखा हुआ है, जो टेनिस में था, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, स्पोर्ट्स में है, ये सब के ना इनके साथ साथ नेम्स लगाए हुए हैं। जैसे कि ये है, और दिखा देती, ये देखिए जी, ये क्रिकेट में है 1973 में। एनीवे, ये इन सब की वो है। ये इधर देखें जी, ये देखें भाई साहब, पिक्चर ले रहे हैं उनके साथ। ये देखें, ये देखें, वो फैमिली है, उनकी पिक्चर ले रहे हैं। चलें जी, मैं अब आपको इधर लेके चलती हूँ। और ये देखिए जी, इनका तो आपको पता ही होगा, कौन सा पाकिस्तानी और जो इनको ना जानता हो। ये देखिए, इनका भी आपको पता ही होगा, ये यहाँ के बॉरेंस जाने डोविंग स्ट्रीट, वो देखिए लिखा भी हुआ डोविंग स्ट्रीट के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। ये देखिए, पहले इनके घर का जो नंबर है, ये जी ये मोदी साहब हैं। ये देखिए, ये इंडिया के जी, ये देखिए देखिए, ये तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं, मुझे इनसे डर ही लग रहा है। और इनका भी आपको पता ही होगा जी, ये कौन है। ये देखिए जी, ये अमेरिका के हैं। मैं आपको एक दफा दूर से भी दिखा देती हूँ।
लिखा है और इनका जो रियल वो है हिस्ट्री, ये देखिए इनका नाम ये लिखा हुआ है हेनरी गेट। ये जी ये एलिजाबेथ वन है जी, हाँ जी। और ये कौन है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जी। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, वो मुझे बता रहे हैं। हाँ जी, इसको तो जानते ही होंगे, कौन है बता दो ज़रा, आ जाए इधर। ये देखिए, ये इसको कौन नहीं जानता होगा, आप भी बता दें। वैसे नहीं नहीं जी, हम इसको जानते हैं, अभी तक लोगों के दिलों की धड़कनों में रहती है जी जी। ये डियाना, ये देखिए प्रिंसेस ऑफ वेल्स। अनाया ने लेनी है साथ पिक्चर, देखिए इसका नाम है, ये लिखा हुआ है स्टोन और मिजेन। हर एक का जिसका बनाया उसके साथ इस तरह की उन्होंने डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, वो मोदी साहब हैं, वो उससे पीछे बोरिस जॉन है, और ये अमेरिका के हैं जी। वो ले जी, ये देखें, ये जैसे वो अमेरिका का वो ट्रंप साहब खड़े हैं, मैं आपको दिखाया। ये जो है ये भाई साहब आगे आ गए जी, वो ओबामा है, मैं आपको खड़े हैं। अब मैं आपको एक व्यू इधर से भी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं निकल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऐसे नलके लगे होते थे उनके, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अंधेरा काफी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पहले यहाँ पे इस तरह के डस्टबिन होते थे, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह के ना हैंडपम्प होते थे। अब इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा। हाँ, यहाँ पे सारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। मुझे इतना इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है, ये सारे इनकी हिस्ट्री में है जिनको इस तरह किया था, और फिर इस तरह उनके ये जमीन बना। ये देखें, चलें जी अब उस साइड पे। ये देखिए जी, 1958 में इस तरह की वाइट बिल्डिंग थी। First, they built a metal armature like a skeleton to support the weight of the plane. The head has to be detachable from the body so they can both work in the same way. So while Jim sculpted my head, Jenny worked on my plane. Thanks, Alex. You did a great job. Next, it was time for me to sculpt it. A special plaster mold is made of the clay head. It's made in 13 pieces so it can be removed from the clay and put back together again like a jigsaw. Like the distance from the tip of my chin to the top of my